यार इस गाड़ी को सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि इसमें जो है मॉडिफिकेशंस भर भर के होते हैं, जैसे कि केरला हो गया और बेंगलोर हो गया, वहाँ पे इस गाड़ी में मॉडिफिकेशन भर भर के होते हैं। तो यार ऐसे बहुत से कमेंट आए कि गाड़ी में जो है भाई तुम स्टार्ट करो मॉडिफिकेशन। यार मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी कि गाड़ी में जो है कौन सा एग्जॉस्ट डालूं, तो यार लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया उस वीडियो पर, यार उसके लिए थैंक यू। तो अब जो है भाई बात ये आती है कि गाड़ी में क्या मॉडिफाई करने को सोच रहा हूँ मैं अब। तो यार इसका जो ये टैंक फ्लैप है ना, मतलब टैंक काउल, इस पर जो है एक किट आती है जिसे कि आप जानते होंगे, जो कि नाम होता है उसका X3 किट, जिसमें कि इसका जो टैंक का ये फ्लैप है ना, ये जो है और भी ज़्यादा शार्प हो जाता है और जो ये लंबाई है ये करीब यहाँ आ जाती है। मतलब गाड़ी का जो लुक है ना वो बिल्कुल हो जाता है, इसकी जो सुपर बाइक है मतलब 790 या फिर 1290R, इसका टैंक बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो यार बताना कि इसमें मैं कौन से कलर का यूज़ करूँ। मतलब यार ऑनलाइन तो मैंने ऑर्डर कर दिया है X3 किट को, 2-3 दिन में आ जाएगी। तो यार बताना कि जो है इसमें मैं कौन सा कलर कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ। तो आपको जो है भाई मैं कुछ फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, तो बताओ कि इनमें से मैं इस गाड़ी को किस कलर का करूँ, मतलब कि जुगनू करूँ, स्काई करूँ, या फिर कौन सा ग्राफिक यूज़ करूँ। बाकी जो एग्जॉस्ट है वो भी इसमें 3-4 दिन में लग जाएगा। और यार इसमें जो है अभी जो है मैंने कोई भी लगाया नहीं है फ्लैशर, तो जो गाड़ी का फ्लैशर है इंडिकेटर का वो भी लगा दूंगा। और यार जो X3 किट है ना उसका जो प्राइस है वो आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा करीब करीब 3400 रुपए से लेके भाई आपको मिल जाएगा, 3500 के आसपास आपको वो X3 किट मिल जाएगी। बाकी यार वो जो है बिना पेंट के आता है तो उस पर पेंट भी कराना ही पड़ेगा। तो बताना भाई कि इसमें जो है मैं कौन सा कलर का यूज़ करूँ। और एग्जॉस्ट यार जो है एक्रप पोविक का लगाने वाला हूँ, उसके लिए कंफर्म हो चुका है कि एक्रप पोविक लगेगा, जिसमें कि DB क्लियर लगता भी है और निकलता भी है। तो अब जो है आप ये बताओ कि X3 किट कौन से कलर की जाए और कहाँ से ऑर्डर करूँ। भाई ऑर्डर तो मैंने कर दिया, कैंसिल भी कर दूँगा, लेकिन आप बता दो कि X3 किट अगर कहीं और मिल रही हो तो वो भी आप सजेस्ट कर दो, क्या पता भाई मुझे महंगा मिल रहा हो, तो वो आप ज़रूर बता देना। बाकी यार इसके जो लुक्स हैं जो वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी यार गाड़ी की जो एक कमी है ना वो ये है, इसका जो ये मीटर है यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए, ये देख रहे हैं मॉइस्चर यहाँ पे आ रहा है। तो यार ये पता नहीं क्यों इस गाड़ी में हो रहा है। बाकी यार गाड़ी में जो है अब कोई भी कमी नहीं है यार, लेकिन मैं इसका जो चैन लूप है वो करना भूल गया, देख रहे हो चैन बिल्कुल सूखी पड़ी है, तो ये थोड़ी गलती हो गई है मुझसे आज, अभी जाके चैन लूप भी कर लूँगा। बाकी यार ये गाड़ी ना वैल्यू फॉर मनी पैकेज है भाई, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पहले दिक्कतें आई थी, अब जो है बिल्कुल गाड़ी एकदम टनाटन में चल रही है। और यार इसका जो है बिल्कुल ही एक नया मॉडल भी आने वाला है, लेकिन वो मुझे उतना खास नहीं लग रहा है भाई। ओल्ड इज़ गोल्ड, जैसे ओल्ड वाली RC बेस्ट थी ना वैसे ओल्ड वाली ड्यूक भी बेस्ट ही रहेगी, कन्फर्म है। बाकी यहाँ जो लोकेशन है ये कुछ इस तरीके की है, देख लो, और ये गाड़ी ऐसे लग रही है, देख लो, तो देख रहे हो। तो यहाँ जो वीडियो है ना इसे आप लोग भाई प्लीज़ कर दो लाइक और सजेस्ट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।